लेबर सप्लाई कर्व ग्राफिकल डेरिवेशन डे स्टूडेंट्स आज हम लेबर सप्लाई कर्व को ग्राफिकली ड्राइव करेंगे लास्ट मॉड्यूल्स में हमने समझा कि रियल वेज एंड लेबर सप्लाई का रिलेशनशिप क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं जब भी रियल वेज चेंज होती है तो वो लेबर सप्लाई को चेंज करती है थ्रू इनकम इफ़ेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट तो आज हम ग्राफिकली लेबर सप्लाई का ड्राइव करते हैं सो एक्स एक्सेस पर हम लेयर ले रहे हैं वन टोटल टाइम एंडाउमेंट है ट्वेंटी फोर आवर्स को हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं उसको वन कंसिडर कर रहे हैं एन एस लेबर सप्लाई एंड ऑन दिस वर्टिकल एक्सेस वी आर टेकिंग द रियल वेज मैंने आपको बताया था कि रियल वेज किस मकसद के लिए यूज होगी फॉर द कन्जम्प्शन परपजेज सो जितनी जैसे जैसे रियल वेज इंक्रीज होगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी इंक्रीज होती चली जाएगी तो वर्टिकल एक्सेस पर हम रियल वेज और कंजम्पशन ले रहे हैं और हॉरीजेंटल एक्सेस पर हम लेयर ले रहे हैं वन इज आवर टोटल टाइम एंड डाउमेंट ओके सो लुक एट दिस लाइन एक्स एक्सेस पर इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम वन ओके इट मीन्स वी हैव टोटल टाइम एंड डाउमेंट इज वन अगर हम बिल्कुल कोई भी काम नहीं करेंगे इफ एन एस इक्वल टू जीरो सो द मैक्सिमम लेयर इज़ वन एंड ऑन दिस वर्टिकल एक्सेस सी नॉट इज द मैक्सिमम कंजम्पशन विच वी कैन हैव सी नॉट पर आप देखेंगे कि वर्टिकल एक्सेस पर इंटरसेप्ट है तो इस पर आपकी लेयर ज़ीरो है यहाँ पर वर्क ज़ीरो है कंजम्पशन ज़ीरो है वन पर और सी नॉट पर क्या है लेयर ज़ीरो है और वर्क मैक्सिमम यानी ट्वेंटी फोर आवर या वन जो हमारा टोटल टाइम एंडाउमेंट है उसको हम यूज़ कर रहे हैं वर्क के लिए और डब्ल्यू नाट वेज रेट है इनिशियली वो वेज रेट आपकी कंजम्पशन को डिटरमिन कर रही है कि जब वेज इंक्रीज़ होगी तो कंजम्पशन इंक्रीज़ हो जाएगी और जब वेज कम होगी तो कंजम्पशन कम हो जाएगी सो so, ये एक तरह से आपकी बजट लाइन है इंडिविजुअल की इंडिविजुअल के लिए वो इस ट्रायंगल से वो बाहर नहीं जा सकता ये ट्रायंगल है जिसमें उसने वर्क करना है यानी कंजम्पशन और लेयर के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस वो अवेल कर सकता है वो डिपेंड करता है इस ट्रायंगल पर इस ट्रायंगल के दरमियान जो वर्क और लेयर के कंजम्पशन और लेयर के जो कॉम्बिनेशंस हैं उनको वो अवेल कर सकता है इससे बाहर वाले उसकी रीच में नहीं है और आप जानते हैं कि यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या होता है कि इनडिफ्रेंस कर्व जब आपकी बजट लाइन का टेंजेंट बन जाता है तो वो आपका यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग पॉइंट होता है सो दिस इज द इंडिफ्रेंस कर्व इसको हम डिनोट कर रहे हैं यू नॉट से यूटिलिटी लेवल है आप जानते हैं एक इंडिफरेंस कर्व पर यूटिलिटी लेवल कॉन्स्टेंट रहता है एंड दिस इंडिफरेंस कर्व इज टेंजेंट एट पॉइंट ई नॉट सो ये हाइस्ट पॉसिबल यूटिलिटी लेवल है जो विद इन दिस बजट स्पेस इंडिविजुअल जो वो अटेन कर सकता है सो ई नॉट इज़ द एक पॉइंट यूटिलिटी मैक्सीम पॉइंट ई नॉट मीन्स कि वो कन्जम्पन कितनी यानी कन्जम्पन और लेयर के कौन सा कम्बिनेशन है जो इसकी यूटिलिटी को मैक्सीमाइज कर रहा है सी नाट इज द कन्जम्पन लेवल एंड वन माइनस एन नाट एस यानी दिस इज़ द अमाउंट ऑफ लेयर एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन ठीक है ये ये पेयर कन्जम्पन और लेयर का ये उसकी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ कर रहा है जब वो इतनी लेयर इन इंजॉय कर रहा है तो इसका मतलब वो वर्क कितना कर रहा है द रिमेनिंग टाइम इस नाउ विल बी यूज फॉर वर्क सो ज़ीरो से लेकर वन माइनस एन नाट एस तक ये उसकी लेयर है और वन माइनस एन नाट एस से वन तक ये उसका लेबर सप्लाई है नो सपोज देर इज एन इंक्रीज इन द रियल वेज क्या होगा रियल वेज के इंक्रीज होने से आपका वर्टिकल एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाए पहले वेज कम थी तो वो कितनी एट द मोस्ट कन्जम्पन अवेल कर सकता था अप टू सी नाट और अब चूंकि वेज उसकी इंक्रीज हो गई है नाउ ही कैन इंजॉय मोर कन्जम्पन अप टू दिस सी वन सो दिस इज़ द मैक्सिमम लेवल ऑफ कंजम्पन विद दिस न्यू इंक्रीज वेज विच ही कैन अफोर्ड एंड विच ही कैन इन्जॉय बट ये वाला जो एक्स एक्सेस का इंटरसेप्ट है आप देखेंगे ये चेंज नहीं हो रहा है जस्ट वाई एक्सेस का इंटरसेप्ट चेंज हो रहा है वेज के चेंज होने से एक्स एक्सेस का इंटरसेप्ट क्यों नहीं चेंज हो रहा है एक्स एक्सेस पर हम उसकी टोटल टाइम एंड डाउमेंट ले रहे हैं सो so वेज के बढ़ने या कम होने से उसके पास जो ट्वेंटी फोर आवर अवेलेबल है इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी इसलिए ये एक्स एक्सेक्सेस का इंटरसेप्ट वही रहेगा और वेज के इंक्रीज होने से बजट लाइन जो है ये क्लॉक वाइज आपकी रोटेट करेगी सो एट दिस न्यू बजट लाइन देर विल बी सम न्यू इंडिफरेंस कर आप जानते हैं कि स्पेस में वी हैव अ लॉट ऑफ इंडिफरेंस कर ठीक है राधर हर पॉइंट में इस स्पेस के हर पॉइंट में से कोई ना कोई इंडिफरेंस कर्व गुजर रहा है आप माइक्रो के कोर्स में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं सो so, एक नया इंडिफरेंस कर्व इस नई बजट लाइन का कहीं पर टेंजेंट बनेगा सो so, इन दिस न्यू स्नैरियो ई वन इज द न्यू यूटिलिटी मैक्माइजिंग पॉइंट इट मीन्स दैट एट ई वन नाउ सी वन लेवल ऑफ कन्जम्पन वो इन्जॉय करेगा और वन माइनस एन वन एस लेयर इंजॉय कर रहा है क्या हो रहा है इसके नतीजे में हम देख सकते हैं कंजम्प्शन बढ़ गई है ई नाट और ई वन को आप कंपेयर करें कंजम्पशन कैसे बढ़ेगी और क्योंकि इसने अब एक तो वेज उसकी बढ़ गई है इसलिए कंजम्पशन बढ़ गई है और दूसरा ये है कि अब उसकी लेयर कम होगी पहले वो लेयर उसका था अप टू दिस ठीक है अब उसकी लेयर कम हो गई है और इसको अब दूसरी तरह से देखेंगे कि इस E1 पर शिफ्ट होने की वजह से क्या हो गया उसकी जो है वर्क वो उसका पहले से बढ़ गया पहले वर्क था अप टू दिस पॉइंट नाउ वर्क हैज बीन इंक्रीज सो दिस इज द टोटल इफ़ेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वेज ऑन यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन अब हम इसको डीकम्पोज करना चाहते हैं ठीक है हम देखना चाहते हैं कि इसमें सब्सक्रिप्शन इफेक्ट का शेयर कितना है और इसमें इनकम इफ़ेक्ट का शेयर कितना है तो माइक्रो के कोर्स में आप ये चीज़ें पढ़ते हैं कि हम एक इमेजिनरी थर्ड बजट लाइन ड्रा करेंगे उस बजट लाइन के दो दो उसके फीचर्स होंगे वो नई बजट लाइन के पैराल होगी और पहले वाले आपके जो इनिशियल इंडिफरेंस कर्व है उसका वो किसी पॉइंट पर टेंजेंट बने ओके सो वी आर ड्राइंग दिस थर्ड इमेजिनरी बजट लाइन ये जो डॉटेड लाइन है ये थर्ड लाइन है इसमें दो बातें आप नोट करेंगे कि दिस इज पैरल टू दिस न्यू वन इसके पैरल होने का क्या मतलब है कि ये दोनों बजट लाइंस एक ही वेज रेट को रिप्रेजेंट कर रही हैं पैरल हैं इनके स्लोप कांस्टेंट हैं स्लोप इनके सेम है इसका मतलब ये है कि दोनों पर वेज रेट सेम है और इसका पहले वाले इंडिफरेंस कर्व का टेंजेंट होना ये बता रहा है कि अब हम अपने यूटिलिटी लेवल को अपने इनिशियल लेवल पर मेंटेन कर रहे हैं so, सो अब इस इमेजिनरी बजट लाइन पर जो टेंजेंसी पॉइंट है उसको हमने डिनोट किया ई e प्राइम से सो व्हाट इज़ हैपनिंग एट ई प्राइम कंजम्पशन इज दिस सी एंड लेयर इज दिस मच सो द मूवमेंट फ्रॉम ई नॉट टू ई प्राइम अगर आप इस पर गौर करें कि वाई इंडिविजुअल विल मूव फ्रॉम ई नॉट टू तो ई प्राइम दोनों पर ई नॉट और ई प्राइम पर दोनों पर इंडिविजुअल इज ऑन द सेम इन डिफरेंस कॉर बट वट इज द डिफरेंस द वेज इज डिफरेंट एट ई नॉट वेज इज लोअर एंड ई प्राइम पर अब वो हायर वेज की वजह से शिफ्ट हो गए यानी उसकी टोटल यूटिलिटी चेंज नहीं हो रही लेकिन वो लेयर और कंजम्शन को सब्सटीट्यूट कर रहा है क्योंकि अब वेज के इंक्रीज होने की वजह से अब लेयर उसके लिए एक्सपेंसिव होगी और एक्सपेंसिव चीज़ों को वो सब्सटीट्यूट करता है रिलेटिवली जो चीपर गुड्स होती हैं सो दिस मूवमेंट फ्रॉम ई नॉट टू ई प्राइम इफेक्ट एंड मूवमेंट फ्रॉम ई प्राइम टू ई वन इस पर अगर आप देखें तो क्या हो रहा है ई e प्राइम से ई वन पर दोनों बजट लाइंस पैरल हैं इट मींस दोनों पर वेज रेट सेम है डिफरेंस क्या है ई e प्राइम वाली जो बजट लाइन है वो लोअर है और ई वन वाली बजट लाइन हायर है इसका मतलब ये है कि वो हायर इनकम लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है ई वन वाली और ई e प्राइम वाली लोअर पर सो so ये जो मूवमेंट है फ्रॉम ई प्राइम टू ई वन दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ इनकम इफेक्ट ओके सेंस उसकी इनकम बढ़ रही है और ई e प्राइम से ई वन पर जब वो जा रहा है हमने अज्यूम किया है कि लेयर भी एक नॉर्मल गुड है कंजम्पशन भी एक नॉर्मल गुड है तो दोनों में आप देखेंगे ई e प्राइम से ई वन पर जाने के दौरान दोनों में इजाफा हो जाता है उसकी इनकम बढ़ रही है सो वो लेयर भी ज़्यादा इंजॉय करेगा और कंजम्पशन भी ज़्यादा इंजॉय करेगा सो नाओ विद द हेल्प ऑफ दिस एनालिसिस वी विल ड्राइव आवर लेबर सप्लाई कर लेबर सप्लाई कर अब अब हम इस स्पेस में ड्रा करना चाहते हैं और एक्स एक्सिस पर हम लेबर सप्लाई ले रहे हैं वाई एक्सिस पर वेज ले रहे हैं और पहली जो हमारी डब्ल्यू नाट थी वेज जो हमारी इस वाली बजट लाइन पर इस पर हम डब्ल्यू नाट वेज की वजह से इस बजट लाइन पर थे इस पर हम ई नाट एक पॉइंट ई नाट एक पॉइंट का मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि इस वेज पर डब्ल्यू नॉट वेज पर दिस मच लेबर सप्लाई हो रही टोटल ये आपके पास टाइम एंडाउमेंट था ओके ई नॉट के मुताबिक अप टू दिस पॉइंट लेयर यूज कर रहा है और रिमेनिंग टाइम वो वर्क के लिए एलोकेट कर रहा है सो ई नॉट पॉइंट हम यहां से इस स्पेस में ले रहे हैं अब दूसरा पॉइंट देखें ई वन ई वन कौन सी बजट लाइन पर था इसमें और पहले वाले में क्या फर्क था कि वेज रेट के इंक्रीज होने से यह बजट लाइन इस तरह से रोटेट हुई थी तो हायर वेज रेट डब्ल्यू वन इज हायर देन डब्ल्यू नॉट और डब्ल्यू वन वाली वेज पर उसका अब पॉइंट क्या डिटर्मन कर रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट ई वन ये डिटर्मन कर रहा है कि अब उसकी लेबर सप्लाई कितनी होगी ये वाली पहले से ज्यादा पहले थी यहां तक और अब उससे ज्यादा है तो ये आपके पास पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे तो दिस इज लेबर सप्लाई कर ओके पॉजिटिवली स्लोप्ड है ये शो कर रहा है कि वेज के बढ़ने से लेबर सप्लाई में इजाफा हो रहा है क्यों इजाफा हो रहा है इसलिए कि हमने जो केस ड्रा किया उसमें हमने इनकम इफेक्ट को वीक रखा है और सबस्ट्रिशन इफेक्ट आपका स्ट्रोंगर था कैसे ई वन से ई प्राइम तक की जो मूवमेंट थी दिस वॉज सब्स्रिपन इफेक्ट एंड ई प्राइम से ई वन की जो मूवमेंट है ये आपके पास इनकम इफेक्ट है तो आप देख सकते हैं कि सब्सक्रप्शन इफेक्ट इस स्ट्रॉगर उसकी वजह से ज़्यादा चेंज आ रही है लेयर में उसकी वजह से लेयर कम हो रही थी ठीक है ई वन से ई e प्राइम पर जब आप जा रहे थे और ई e प्राइम से ई वन पर जब आप गए हैं तो उससे लेयर में इजाफा हुआ है लेकिन वो इजाफा रिलेटिवली स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द डिक्रीज दैट्स वाई द नेट इफेक्ट जो है उसका वो हमारे पास ये आ रहा है कि देर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेज एंड द लेबर सप्लाई इसको अब हम एक और एंगल से देखना चाहते हैं अगर आप ई नाट और ई e प्राइम को कंपेयर करें तो क्या है ई नाट और ई e प्राइम में कॉमन क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है कॉमन ये है कि यूटिलिटी लेवल इज़ कांस्टेंट। यूटिलिटी लेवल कांस्टेंट को आप कह सकते हैं कि इनकम इज कांस्टेंट। लेकिन फ़र्क क्या है कि ई नाट पर वेज कम है और ई प्राइम पर वेज ज़्यादा है तो ई प्राइम के पॉइंट अगर आप यहाँ पर प्लाट करें यानी वेज इंक्रीज होगी और वर्क उसका ई प्राइम पर चला गया ठीक है इन पॉइंट्स को ई नाट और ई प्राइम को आप ज्वाइन करेंगे तो ये भी आपके पास एक सप्लाई करो बन जाएगा इसमें क्या और पहले में क्या फ़र्क था इसमें यह है कि इसमें हम यूटिलिटी को कांस्टेंट हमने किया हुआ है अपने इनिशियल लेवल पर जबकि पहले में हम जब वेज इंक्रीज़ हुई थी तो नए एक पॉइंट पर जब हम गए थे तो उसमें यूटिलिटी भी पहले से ज़्यादा चेंज हो गई तो उसको हमने कांस्टेंट नहीं किया था तो ये वाला कर्व कहलाता है कॉम्पनसेटिड लेबर सप्लाई कर और उससे पहला जो ये वाला कर्व था दिस इज सिंपल और अनकम्पनसेट लेबर सप्लाई कॉम्पेटिड लेबर सप्लाई कर विल ऑलवेज भी पॉजिटिवली स्लोप्ड बट अनकम्पनसेट इट डिपेंड्स इट कैन भी पॉजिटिवली स्लोप्ड इट कैन भी नेगेटिवली स्लोप्ड आर इवन इट कैन भी वर्टिकल सो ये डिपेंड करेगा कि इनकम इफेक्ट स्ट्रोंगर है या सब्सक्रेशन इफेक्ट स्ट्रॉगर है उनकी रैलीटिव स्ट्रेंथ पर इसका स्लोप डिपेंड करेगा जबकि कॉम्पेंसेट जो लेबर सप्लाई कर हुआ है ये हमेशा ही पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा सो so, इसी बात को जो अनकम्पनसेट लेबर सप्लाई कर्व है इट कैन बी पॉजिटिवली स्लोप नेगेटिवली स्लोप आर इवन वर्टिकल सो इसको आप हम जानते हैं कि इसको बैकवर्ड बैंडिंग लेबर सप्लाई कर्व से कहा जाता है इससे मुराद ये है कि देर इज़ अ सर्टन लेवल ऑफ वेज जिसको हम यहाँ पर डब्ल्यू स्टार से डिनोट कर रहे हैं ये वो वेज लेवल है कि अगर वेज इससे एक्सीड करती है तो इसमें इनकम इफ़ेक्ट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वेज के बढ़ने से वर्कर जो है वो अपना वर्क नहीं बढ़ाता रादर वो लेयर को प्रेफर करता है और अपना वर्क कम कर देता है और अगर वेज इससे नीचे है तो फिर उसके नतीजे में वो काम ज़्यादा करेगा सो so, इससे डब्ल्यू स्टार से अगर वेज कम है तो लेबर सप्लाई कर विल भी पॉजिटिवली स्लोप्ड राइट पॉजिटिवली स्लोप हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये कब होगा कि जब सब्सट्रीशन इफेक्ट है वो स्ट्रोंगर होगा देन द इनकम इफेक्ट लेकिन डब्ल्यू स्टार वो लेवल है जिसके बाद लेबर सप्लाई कर नेगेटिवली स्लोप हो जाता है इसमें इनकम इफेक्ट इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वेज के बढ़ने से वर्कर जो है वो अपने काम को कम कर देता है इसी तरह हम ये हमने बात की थी एक इंडिविजुअल एक की लेबर सप्लाई की सो so, अगर हम पूरी इकोनॉमी के एग्रीगेट लेबर सप्लाई को डिस्कस करना चाहें तो ये नॉर्मली पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा ठीक है जब ये रियल वेज बढ़ेगी तो एग्रीगेट लेबर सप्लाई इंक्रीज़ कर देगी क्यों इंक्रीज़ कर देगी एक वजह तो ये है कि जब वेज बढ़ती है तो जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स होते हैं वो ज़्यादा काम करने के लिए विलिंग हो जाते हैं और समाइम्स ये होता है कि जब वेज बढ़ती है तो और लोग लेबर फोर्स में शामिल यानी जो पहले काम नहीं करना चाहते थे तो जब लेबर जब वेज इंक्रीज़ कर जाती है तो उनको भी अट्रैक्शन फील होती है और वो भी लेबर फोर्स में शामिल हो जाते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं इसकी वजह से ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होते हैं सो एग्रीगेट लेबर सप्लाई करविस इज यूजली पॉजिटिवली स्लोप्ड कौन से फैक्टर्स हैं जो एग्रीगेट लेबर सप्लाई कर्व को फेक्ट करेंगे ठीक है अफेक्ट का मतलब हम समझते हैं कि वेज में जब चेंज आती है तो इससे तो आप अलोंग द लेबर सप्लाई कर मूव करते हैं लेकिन वेज के अलावा अगर कोई और फैक्टर चेंज हो जाता है तो उससे लेबर सप्लाई कर शिफ्ट हो जाएगा ठीक है मसला मतलब एक पॉइंट ये है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है ये जब बढ़ जाएगी वर्किंग एज पॉपुलेशन से मुराद क्या है कि जो वर्किंग एज ग्रुप है जैसे मैंने बताया कि अबव टेन ईयर्स जो एज के लोग हैं वो वर्किंग एज पापुलेशन में कंसिडर होते हैं तो अगर इस वर्किंग एज पापूलेशन में इजाफ़ा हो जाए बर्थ रेट के इजाफ़ा होने की वजह से हो सकता है या समाइम्स कोई इमिग्रेशन की वजह से पाकिस्तान में अगर जैसे एक दफ़ा ये हुआ था कि अफगानिस्तान से लोग आए थे और बहुत ज़्यादा माइग्रेंट थे तो उससे इजाफ़ा हो जाता है तो ये एक वजह हो सकती है जो आपके लेबर सप्लाई कर्व को शिफ्ट कर दें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी इसको अफेक्ट कर सकते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है ये कैसे अफेक्ट होगी फॉर एग्जांपल हमारे कल्चर में अगर फीमेल्स ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाएं, ज़्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाएं, तो आपकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाएगी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि आपकी वर्किंग एज ग्रुप में से कितने परसेंट लोग हैं जो काम करना चाहते हैं तो इसी तरह समाइम्स अगर गवर्नमेंट रिटायरमेंट की एज को चेंज कर दे तो ये भी आपकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को इनक्रीज़ कर देगी वेल्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वेल्थ जब इंक्रीज़ होती है तो जो लोग हैं वो अपने आप को कंफर्टेबल वेल्दियर फील करते हैं और फिर वो काम कम करना पसंद करते हैं तो वेल्थ के इंक्रीज़ होने से भी लेबर सप्लाई कर शिफ्ट कर जाते हैं इसी तरह एक्सपेक्टेड फ्यूचर के बारे में अगर लोग ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हो जाएं और समझें कि फ्यूचर में उन्हें अच्छे वेच मिलेगी तो ये भी उनकी करंट लेबर सप्लाई को अफेक्ट करेगी तो डायग्राम की मदद से हम इसको देख सकते हैं कि ये आपका लेबर सप्लाई करवा है एग्रीगेट लेबर सप्लाई करवा है लेकिन इन ये जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए इनमें से किसी वजह से लेबर सप्लाई कर फॉर एग्ज़ाम्पल वेल्थ इंक्रीज हो जाती है तो अब क्या होगा कि किसी भी वेज पर पहले से कम लोग काम करेंगे सो लेबर सप्लाई कर टू द लेफ्ट शिफ्ट जाएगा और बाकी चीज़ों को भी आप इसी तरह इससे रिलेट कर सकते हैं इस सारी बात को अब हम सम करते हैं कि जब वेल्थ इंक्रीज़ होगी तो लेबर सप्लाई कर लेफ़्ट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा एक्सपेक्टेड फ्यूचर रियली वेज इंक्रीज होगी तो भी इसको लेफ्ट वर्ल्ड शिफ्ट कर जाएगा। वर्किंग एज पापुलेशन के राइज़ होने से राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा और पार्टिसिपेशन रेट के इंक्रीज़ होने से भी ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा